ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन का पहला सोमवार, साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास, बहुत विशेष बनाती है। आप सबको पता है गुरु जी की कथा चल रही है पुष्कर में, और कल की ही कथा में गुरु जी ने बहुत ही सुंदर से उपाय की बात किए हैं, जो कि आपके फैमिली के लिए, आपकी किसी भी विश मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम लोग सभी उपाय की बात करेंगे, सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि कल के दिन आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि भैया इसको करने से बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। तो पहले स्क्रीन पे लिखा था कि पहला उपाय आपके हस्बैंड और वाइफ, यानी कि पति और पत्नी में अगर क्लेश बहुत होता है, लड़ाइयां बहुत होती हैं, उनके लिए होगा। या फिर इस उपाय को आप उनके लिए भी कर सकते हैं कि जिन भी मेरे भाई बहन की शादी नहीं हो पा रही, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि शादी नहीं हो पा रही, हम क्या करें, मतलब 30 साल हो गए, 35 साल, 40 साल हो गए, ठीक है, शादी नहीं हो पा रही, हम क्या करें, क्या करोगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, है ना। तो गुरुजी ने एक और चीज बताई है, आप सबको ध्यान होगा कि हमें पूरे 12 महीने तो डेली एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना ही करना चाहिए, लेकिन पूरे सावन के महीने में हमें 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, मानते हो ना। तो आपको क्या करना होगा, 2 लोटा जल लेना होगा। अब वो 2 लोटा चाहे तो आप तांबे के लोटे में ले लो, चाहे 2 ग्लास ले लो, चाहे 2 कटोरी ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 कोई सा भी पात्र लेना और जल भरना, अपने घर से लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। जिन भी भाई बहन की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर जिनके रिश्तों में खटास है ना, आपसी मतभेद बना हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से कलश को पकड़ेंगे। थोड़ा सा नियम समझेंगे इस उपाय को करने का, लगातार इस काम को 7 दिनों तक करना है। कितने दिनों तक, 7 दिनों। कल से स्टार्ट करो और लगातार 7 दिनों तक करना, नियम समझो। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो ये जो स्पेस है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, पता है ना। क्या करोगे, अपने दोनों हाथों से जल की धार को गिराओगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करोगे, आपको यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्टार्ट करना है, दोनों हाथों से जल को चढ़ाना है, और जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, और चढ़ाते चढ़ाते फिर उसी जल को दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, कहीं और नहीं चढ़ाना है, ना कि भगवान गणेश के स्थान पर, ना माता पार्वती के, ना भगवान कार्तिकेय के, कहीं और नहीं समर्पित करना है, दोनों हाथों से कलश का जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसी जल से ऐसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी कलश को लेकर के चले आना बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लगातार 7 दिन तक करके देख लो, आपके रिश्तों में मिठास आने लगेगी, प्यार आपसी बढ़ने लगेगा, और जिन भी भाई बहन की शादी नहीं होती है, सावन के बाद भी आपको खुद गुड न्यूज मिलेगी कि उनकी शादी पक्की हो गई और अच्छी शादी होगी। ऐसा नहीं कहीं भी हो जाएगी, नहीं, बहुत अच्छी शादियां होंगी, समझ में आई क्या बात। तो इस उपाय को जरूर करना। अभी कल की कथा में गुरुजी ने बताया, जिसने सुना होगा आप सबको याद आ गया होगा, ठीक है। चलो, पहला तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि दूसरा उपाय आप कई कामों के लिए कर सकते हैं। मेन ये काम है आपके घर में अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है ना, कि मतलब कोई भी मेडिसिन खा रहा है, कोई भी दवा खा रहा है ना, वो दवा असर कर ही नहीं पा रही, हमेशा आदमी बीमारी पड़ा है, डॉक्टर सारे पैसे ले ले रहे हैं, उसके लिए बहुत सुंदर उपाय कल बताया गुरु जी ने। क्या करना होगा, आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, 3 बेलपत्र लेना, और उन 3 बेलपत्र को 3 जगह पर समर्पित करना है, लेकिन नियम समझेंगे। बेलपत्र कहीं से कटा फिटा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा बेलपत्र हो, ठीक है। ले लिया बेलपत्र, साथ ही साथ आपको लेना होगा कहाँ पे, 2 लोटा जल, क्योंकि सावन में हम कोई उपाय कर रहे हैं तो 2 लोटे जल का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप वो 2 लोटा जल चाहे तो 2 तांबा ले लो, 2 स्टील ले लो, 2 ग्लास ले लो, 2 कटोरी ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं ये चीज़ आपसे कई बार कह चुका हूँ, ठीक है। ले लिया 2 लोटा जल, अब इस 2 लोटे जल को और 3 बेलपत्र को लेके पहुँच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। जो जो जगह मैं आपको बताऊँगा, उस जगहों पर ध्यान से और उस बेलपत्र को समर्पित करना, डंडी किधर होगी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है ना। देखो, सबसे पहले जो 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करोगे। डंडी का भाग होना चाहिए बाहर की तरफ और पत्ति का मुख होना चाहिए महादेव की तरफ, ठीक है। समर्पित कर दिया, समर्पित करोगे तो जो 2 लोटा जल आप अपने साथ लेके गए हो, थोड़ा सा जल यहीं पे दोनों हाथों से यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। पहला काम हो गया। जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में है, आपके पास 3 बेलपत्र है ना, तो पहली तो चढ़ा दी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो दूसरी बेलपत्र लोगे, वो आपको ये जो स्पेस आपको दिखता है, ये जो जगह आपको दिखती है, ये है माता का हस्तकमल, यानी कि माँ पार्वती का स्थान। तो यहीं पर आपको
दूसरी बेल पर समर्पित करनी होगी। अब जब दूसरी बेल पर समर्पित करोगे उसकी जो डंडी होगी वो होगी आपकी तरफ, ठीक है, और पत्ती होनी चाहिए महादेव की तरफ, ठीक है, और फिर आपको उसी कलश से थोड़ा सा जल यहाँ पर माता के हस्त कमल पर समर्पित करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। दो बेलपत्र समर्पित कर दी और दो जगह जल भी चढ़ा दिया। अब जो आपके पास तीसरी बेलपत्र है ना वो आपको समर्पित करना होगा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर कोई चीज़ समर्पित करो तो फेस रखा करो उत्तर दिशा की तरफ यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। डंडी रखोगे किधर यानी कि जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख रखोगे आप अपनी तरफ, ठीक है। इस तरीके से रख लेना और उल्टा यहाँ पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सीधा रखना, माता के हस्त कमल पर सीधा रखना, लेकिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर उल्टा रखना, और बाकी का जितना भी बचा हुआ जल आपके दोनों कलश के पात्र में है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। करके देख लेना, आपकी जो भी बीमारियां होंगी, आपके घर की जो भी आपके घर में कष्ट होंगे ना, धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगे, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी? बहुत ही प्यारा सा उपाय है, कल पुष्कर की कथा में गुरु जी ने बताया, ठीक है। चलो तो यहां पर बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरा उपाय जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ ध्यान से देखो, पहला पति पत्नी के लिए था, दूसरा बीमारी, तीसरा आपके लिए बच्चों के लिए है। अब बच्चों के लिए कैसे? अगर यहां पे दो काम हो सकता है, पहला उनके लिए ये है कि जिन भी हस्बैंड और वाइफ के संतान नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, पहले तो वो करेंगे। दूसरा जिन भी को संतान हो तो गए हैं लेकिन बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े अजीब से हैं, ठीक, अजीब से मतलब कि वो बिल्कुल बात नहीं सुनते, बहुत नटखट टाइप के हैं, किसी की बात नहीं सुनता, गलत संगति टाइप की है, उनका दिमाग नहीं काम करता ठीक तरीके से, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे? आपको लेना होगा, इस तरीके से बनाओगे खीर। जो खीर बनाओगे वो गऊ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। खीर बना लेना या फिर कोई सा भी मीठा पदार्थ जो आपको आसानी से बनाने आता हो वो बना लेना, ठीक है। उसको लेके चले जाओगे कहाँ पर? बेल पेड़ के नीचे। लेकिन ऐसे नहीं जाना बेल पेड़ के नीचे, फिर कहोगे भाई फिर कैसे? आपके घर के आसपास कोई भी ब्राह्मण परिवार रहते हो, ठीक है, कोई भी ब्राह्मण परिवार, कोई भी पंडित जी का परिवार रहता हो, उनको लेकर के जाएं इसी सावन के महीने में, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, कोशिश करना कल कर लेना, ठीक है। उनको लेकर के जाना और बेल पेड़ के नीचे उनको पेट भर करके भोजन कराना, ठीक है, पेट भर के भोजन कराना। जो खीर आप बना करके ले गए हो थोड़ा थोड़ा खीर इनको खाने के लिए दे देना। जो बचा हुआ खीर आपके बर्तन में है उसको हस्बैंड वाइफ जिनको संतान नहीं हो रहे हैं वहीं बेल पेड़ के नीचे बैठ करके दोनों पति पत्नी को खा लेना है, ठीक है। पहला काम तो ये, तो इससे क्या होगा, जो आपके संतान नहीं हो रहे हैं वो संतान, उससे आपको संतान होंगे। दूसरा जो संतान होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। जिन भी को आप कहोगे भैया जिनके बच्चे बहुत नटखट हैं वो क्या करें, तो उसी खीर को आप अपने बच्चों को भी अगर खिला देते हैं महादेव का कोई सा भी नाम लेके, कोशिश करना हाटकेश्वर महादेव के नाम से खिला देना, तो बच्चे का जो दिमाग होगा ना वो सही जगह पर काम करेगा, कहीं इधर उधर वो भटकेंगे नहीं, ठीक है। समझ में आई क्या बात? चलो तो तीन उपाय के बाद यहाँ पर कर लिए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की तरफ। अब ये जो चौथा उपाय है ना यह आपको करना होगा किससे? कुमकुम से। लेकिन उसके फायदे क्या हैं उससे पहले जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया, ठीक है। देखो इसके फायदे बस एक हैं बहुत ज़्यादा, कि अगर जिनके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, मतलब कि हमेशा क्लेश मचा रहता है परिवार में, कभी शांति रहती नहीं है, एक दिन रहता है तो तीन दिन लड़ाई होती है, एक दिन शांति तीन दिन लड़ाई, ऐसे माहौल है ना, तो क्या करोगे आपको इस तरीके से लेना होगा कुमकुम, ठीक है। कुमकुम लेना, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। कुमकुम और उसमें चंदन में डिफरेंस होता है, हमें कुमकुम लेना और इस कुमकुम में थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बनाना, ठीक है। और पेस्ट बना करके आप अपने दाहिने हाथ यानी कि आप अपने राइट हैंड पे, यहाँ पर एक आपको उंगलियाँ दिख रही होंगी, तो जहाँ पर मैं कलर करूँगा वहीं पर आपको कुमकुम को लगाना होगा। देखो जैसे आपको यहाँ पर लगा लो हल्का हल्का, जहाँ जहाँ पर ने देखो कलर किया है ना रेड कलर से, वहाँ वहाँ आपको कुमकुम को लगाना है। पूरे हाथ पे नहीं लगाना, बट जहाँ जहाँ मैंने कलर किया हुआ है इस जगह पर आपको लगा लेना होगा, ठीक है। लगा लिया और इसी तरीके से हाथ को करके चले जाओगे वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे। अब वट वृक्ष के नीचे पहुँच करके आपको क्या करना है, पत्तों को तोड़ना नहीं है, आपको यहीं पे खड़े होना है, कोई सा भी पांच वट वृक्ष का पत्ता चूज कर लेना, कोई सा भी पांच पत्ता। जैसे मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, एक मान लो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो जो पाँच उंगलियों में आपने लगाया हुआ है कुमकुम, उस कुमकुम की एक एक उंगली से आपको इन पाँच के पाँचों पत्तों पर एक एक बिंदी लगा देना है,
है, अपने साथ मौली लेके जाना, उसको पीपल के कौन सा पेड़ है, वट, तो आप वट के पेड़ पे किसी भी टहनी पे अपने परिवार का नाम और गोत्र को बोल करके बांध देना। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होती, कभी क्लेश नहीं होता, ठीक है। जो पांच उंगलियां हैं एक एक उंगली से एक एक पत्तों पे लगाओगे, ठीक है, बात आई समझ में, लगा करके देख लेना, आपके घर में कभी भी लड़ाइयां नहीं होंगी, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट में पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।